हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फाइनली मूवी मैंने चेकआउट कर चुका हूँ, लेकिन मेरा क्या बैड एक्सपीरियंस था इस मूवी को देखते दौरान वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यार इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी की ओवरऑल लेंथ 1 घंटे 55 या कह सकते हो ऑलमोस्ट 2 घंटे की है। ये आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाती है। मूवी की कहानी शुरू होती है गॉडजिला से, जो कि हमला कर देता है इंसानों पर, या तो आप लोग कह सकते हैं एपेक्स फैसिलिटी पर। तो इसीलिए एपेक्स फैसिलिटी हेल्प लेता है कॉन्ग की गॉडजिला से भिड़ने के लिए। लेकिन इसके पीछे कहानी में और भी ट्विस्ट है, वो सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। खैर, मैंने इस मूवी को देखा है गेटी गैलेक्सी में, जो कि मुंबई का एक मशहूर थिएटर है। लेकिन अगर आपको कोई हॉलीवुड मूवीज़ देखना है तो भाई ये थिएटर से कोसों दूर रहना, क्योंकि स्क्रीन पर इतना ज़्यादा अंधेरा है, इतना ज़्यादा अंधेरा है कि जब कोई इंडोर वाले सीन देखोगे तो वो तो मतलब एकदम ही वर्स्ट लगते हैं, लेकिन अगर कोई रात का सीन देखोगे तो वो उससे भी ज़्यादा वर्स्ट लगता है। और ये पर्टिकुलर मूवी को देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा गंदा था। और इतना ही नहीं, मैंने इससे पहले एवेंजर इन्फिनिटी वॉर भी इस पर्टिकुलर मूवी हॉल में देखा था और मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत वर्स्ट था। और इतना ही नहीं, मेरे दोस्त का भी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा वर्स्ट था। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं यहाँ पर कोई भी हॉलीवुड मूवी नहीं देखूंगा, लेकिन आज गलती करके मैंने ये मूवी देख लिया। सीरियसली बहुत ही पैथेटिक है स्क्रीन उसकी। 6 बजे का शो था, ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गई है, मूवी स्टार्ट नहीं हुई है। अब ये क्या प्रॉब्लम है कुछ समझ में नहीं आ रहा, मगर 20 मिनट डिले हो गई है ये मूवी। लॉकडाउन के बाद जब मैं मूवीज़ देखने आता तो अकेले आता था, तो कभी बाहर से कुछ खरीदता नहीं था। लेकिन अब जब मैं अपनी वाइफ के साथ आया और बाहर से ख़रीदा तो ये गेटी थिएटर में अलाउड नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना और ये गलती आप लोग से मत करना, क्योंकि 150-200 रुपये आपके वेस्ट हो जाएंगे। वो लोग ऊपर अलाउड ही नहीं करेंगे। या तो आप लोग बाहर खा के आ जाओ, या तो फिर आपकी मर्ज़ी, आपको जो करना है। उसके अलावा अगर मूवी की स्टोरी की बात करूँ तो यह स्टोरी बहुत ऑसम है। मॉन्स्टर वर्स की ये अब तक की सबसे ज़बरदस्त मूवी है, आपके साथ तो खतरनाक मूवी है। क्योंकि मूवी में जो ह्यूमन कैरेक्टर्स है उनके पास यहाँ पर करने के लिए कुछ खास था नहीं, और वो लोग आपको इरिटेट भी करते हैं। मतलब आप लोग जब इस मूवी को देखना स्टार्ट करते हो तो आपके बस माइंड में यही रहता है कि कब हम लोग गॉडज़िला, कब हम लोग कॉन्ग को देखें या दूसरे क्रिएचर्स को देखें, इंसानों को छोड़कर। और इंसानों के जितने भी पार्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा मुझे वर्स्ट लगे, और उनमें कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला, ना ही कुछ इमोशनल चीज़ें देखने को मिली जिससे हम लोग उन कैरेक्टर से कनेक्ट हो। तो ह्यूमन कैरेक्टर्स को इसमें स्क्रीन टाइम ज़्यादा दिया है, लेकिन वो थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। उसके अलावा मूवी का VFX बहुत 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 शानदार है, स्पेशली जो एक्शन सीन्स है, आप कह सकते हो गॉडज़िला और कॉन्ग के जितने भी फाइट सीन है उन सबका VFX बहुत ही अच्छा है। और क्लाइमैक्स का जो है भाई सीक्वेंस, वो तो लाजवाब है। नॉट एक्सपेक्टिंग कि क्लाइमैक्स इतना ज़्यादा ग्रैंड होगा, और लास्ट के समझ लो 20 से 25 मिनट तो मतलब आप ये पूरी मूवी में एकदम बस मुंह खुला का खुला रह जाएगा भाई। मूवी का BGM एक नंबर है, एकदम परफेक्ट BGM, जो मतलब थिएटर में आपको गूज बम्स लेकर आएगा। मूवी में कुछ सॉन्ग्स का भी यूज़ किया जो कि मेरे हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से बहुत ही सही बैठ रहे थे। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यार सभी लोगों ने अपने हिस्से के रोल को अच्छी तरह से निभाया, लेकिन ये मूवी सिर्फ और सिर्फ गॉडज़िला और कॉन्ग की है, और उनसे रिलेटेड जो जो चीज़ें यहाँ पर बताई है वो बस माइंड ब्लोइंग है। उसके अलावा मूवी की एक और नेगेटिविटी जो मुझे फील हुई कि भाई गॉडज़िला और कॉन्ग की हमें पास्ट यानी कि उनके पहले जो जो चीज़ें हुई है उनके बीच में, उसके बारे में ज़्यादा कुछ यहाँ पर डिटेल में नहीं बताया, यानी कि उनकी जो पहले लड़ाई हुई थी, कैसे वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं बताई थी। लेकिन जो दूसरी चीज़ें बताई है वो तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पेरेंटल गाइडेंस के लिए तो मैं इतना ही बोलूँगा कि यस, ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ जाके देख सकते हो। थिएटर तो पूरे के पूरे खाली पड़े थे। अगर मैं 6:30 के शो की बात करूँ तो यार ऑलमोस्ट 20 लोग होंगे, उससे ज़्यादा थिएटर में नहीं थे। लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर मूवी का सिर्फ और सिर्फ थिएटर में आएगा, और बस आप लोग के पैसे वसूल हो जाएंगे, नो डाउट। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 9/10। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।